फ्रेंड्स, मैं हूं आशीष नोटियाल। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सब अच्छे ही होंगे और अच्छे से सबका रिया चल रहा होगा हमेशा की तरह। आज जो हम बात करने वाले हैं, काफ़ी कमेंट में कई दिन से पढ़ रहा था कि राजस्थानी थपकी पैटर्न सिखाएं। अब राजस्थानी थपकी पैटर्न मेरी समझ में ये नहीं आता है सबकी, जिनको भी मैं ये देखता हूँ कि हाँ अब इस गाने का पैटर्न बताइए, अब उसका पैटर्न बताइए, अब ये बताइए, वो बताइए। मैं आपको एक बात आज क्लियर कर दूं इस वीडियो में। सबसे पहले तो होता अक्सर क्या है, कहीं कुछ नहीं बचता है कि आपकी सोच है कि वहाँ क्या पता नहीं क्या बजता है और ये पैटर्न पता नहीं क्या बज रहा है, वो क्या बज रहा है। पैटर्न सेम बजता है, आप सारे वीडियोज़ देखते नहीं हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये सब चीज़ पहले अपलोड होता है, ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। और राजस्थानी जितना भी मैंने ज़्यादातर सुने भी, गाने भी सुने, तो सब में कहरवा या फिर दादरा जो भी बजाया जाता है सिंपल ही है, कोई अलग नहीं है कि उसका कोई चलन अलग ही है। हाँ, राजस्थान में जैसे धमाल बजाया जाता है या फिर घूमर टाइप का जो ठेका बजाया जाता है, वो मैं बहुत पहले अपलोड कर चुका हूँ चैनल पर, अगर आपने वो देखना तो वो देख लें, ठीक है, वो मैं अपलोड कर चुका हूँ। इसमें जो है एक दो थपकी पैटर्न जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, वही मैं फिर दोबारा बताने वाला हूँ। वही स्टाइल वहाँ बजाया जाता है, कोई अलग नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आप बिल्कुल वीडियो पूरे देखा करें और सभी पहले चैनल पे सभी वीडियोस देखें। कैरवा की अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, दादरा की, रूपक दीपचंदी की, सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। आपको जो ताल चाहिए, ठीक है, वो आप वहाँ देख सकते हैं। लेकिन फिर इसमें आप सिर्फ पहले ये देख लें, ठीक है, कोई हार्ड नहीं और कोई अलग कुछ नहीं बजा हुआ है, सिंपल है। लेकिन पैटर्न जब आप पहले, अगर पहले वीडियोस आपने देखे होंगे तो तब आप मतलब ये आगे ये देख सकते हैं कि हाँ राजस्थानी पैटर्न या जो भी है वो पहले कहरवा ही बजाया जाता है, थोड़ा स्टाइल चेंज हो जाता है, ठीक है, बजाने का तरीका अलग हो जाता है बस, सिर्फ बाकी कोई नहीं, वही बोल हैं, ताले सब वही रहती हैं, थोड़ा उसको बजने का जो है टेक्निक चेंज हो जाता है, ठीक है, तरीका चेंज हो जाता है, कहने का मतलब है। तो आप देख लें, दो सबसे पहले बात, एक जो मेन ठेका जो बजाया जाता था वो मैंने पहले अपलोड नहीं किया था, वो देख लें आप, ठीक है, तबले के बीच में बताऊंगा इस तरीके से, देखो ठीक है, इसके बोले धा, शुरू वाला जंपिंग लेना है, धा धाती तग धाती धा धाती तग धाती धा धाती, ठीक है, धा जंपिंग, धा धा धाती धा धाती तग 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 तग के बाद जो धा आएगा वो थोड़ा इस तरीके से आपने थोड़ा स्लिप करना बेस, ठीक है, धा धा धाती तग धाती धा धाती तग धाती धा धाती तग धाती धा धाती तग धाती धा धाती तग धाती, ठीक है, ये बोले थोड़ा बढ़ के किस तरीके से बजेगा, धा धाती तग धाती धा धाती तग धाती धा धाती तग धा धाती तग धाती धा धाती तग धाती, ठीक है। इस तरीके से, ठीक है, धा धाती तग गाए धा धाती ता धाती है, लेकिन गा इसलिए मैं बताता हूँ, ये बोल भी लगता है और ये जल्दी से कोई बताता नहीं है और ये आप मिस कर जाते हैं, उससे क्या होता है भराव नहीं आता बजाने में, ठीक है जी, ठीक है, अब ये मिस हो गया जबकि लगता ये भी है, उसे भराव आ जाता है बेस में बजाने में, ठीक है, धा धाती तग धाती धा धाती तग धाती, तो ये समझ गए होंगे आप। थपकी पैटर्न जो है दो तरीके में आपको बताऊंगा, ठीक है, एक इसकी बोले धा और उससे पहले
जिन फ्रेंड्स ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर चैनल एक बार सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, उससे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाएंगे। और फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, फेसबुक पेज लाइक करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ आप अपने जो भी छोटे वीडियो क्लिप हों भेज सकते हैं, ठीक है। और मैं देख के कोशिश करूँगा आपको बताने की कि आप किस तरीके से बजा रहे हैं, ठीक है, कोशिश करूँगा। और वीडियो शुरू से पहले करने से पहले होने से पहले जो भी है आप लाइक ज़रूर कर दें, फिर आप लाइक नहीं करते हैं और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें, उससे मैं मुझे पता लग जाता है कि आप लगातार वीडियोस देखते हैं, ठीक है। देखें थपकी बटन अब देखें बिल्कुल स्लो में एक्सप्लेन करूँगा, अच्छे से देखें, ठीक है। शुरू वाला जंपिंग भी जाएगा, धाती धीता धाती धीता धाती धीता धाती धीता, ठीक है, धाती धीता धाती धीता धाती धीता धाती धीता, बिल्कुल स्लो में देखें, धा जंपिंग धा ती धीता ता ती धीता, ती जो है साइड में आएगा फिर एक यहाँ पे आएगा इस तरीके से, ताती देता ताती देता ताती देता ताती देता, बेस कैसे जा रहा है, शुरू वाला जंपिंग ताती दे धा पे जंपिंग और धी पे पीछे, ताती देता ताती देता, लास्ट वाला जो धे उस पर स्लिप, इसको आप कितना भी बढ़ा के बजा सकते हैं, ठीक है। कैपेसिटी के और रियाज के ऊपर बात है, ठीक है। देखें धाती धीता ताती ये वाला स्लिप, धाती धीता ताती धीता धाती धीता ताती धीता धाती, शुरू वाला जंपिंग फिर धी पीछे फिर धा स्लिप आगे, बस इतना ही काम है, धाती धीता ताती धीता, वो यहाँ ये चलता रहेगा, ताती धित ता ता ती ती ता ता ती ती ता, ठीक है, ता ती ती ता ता ती ती ता ता ती ती ता ता ती ती ता, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, बोलिएगा ये तो थी और ये थोड़ा अलग हटके, ता ता ती ती ता ता ती ती ता ता ती, बेस सेम चल रहा है, सिर्फ यहाँ की टेक्निक चेंज हो गई हाथ की, ठीक है। धीता धाती धीता धाती धीता धाती धीता धा, सिर्फ मतलब बजने की जो है टेक्निक चेंज हो गई, पहले धाती धीता ताती धीता आप बजा रहे धीता धाती धीता धाती धीता धाती, ये उल्टा हो गया एक तरीके से, ठीक है। ये इस तरीके से यहाँ से लेना आपने, धीता धाती धीता धाती धाती धीता धाती धीता धाती धीता धाती, ये वाला जो है स्लिप जाएगा, धीता धाती धीता धाती धीता धाती धीता धाती धीता धाती धीता धाती, ठीक है, ये पैटर्न है। और बाद बाकी जो ज़्यादातर बजाया जाता है वो है कहरवा, वो भी मैं एक बार साथ साथ आपको बता देता हूँ, ठीक है। उसके बोले जो आप ज़्यादातर सुनते हैं, ठीक है, ये दिट धाता दिट धाता दिट धाता दिट धाता दिट दिट, जो आपने इस तरीके से यहाँ मतलब बेस की फीलिंग बनी रहे, ठीक है, ये दिट धाता दिट धाता दिट धाता दिट धाता दिट धा, ओपन फिर ताल के साथ थोड़ा कभी सुलो में देख लें, धिट धाता धिट धाता धिट धाता धिट
अच्छा टेट ट के साथ थोड़ा गा भी लगेगा, ये ध्यान रखें आप, ठीक है। टेट धा धा 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 टेट धा धा। दोबारा देख ले बिल्कुल स्लो में ये वाला कहरवा। पहले मैं बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ तबले पे भी ढोलक पे भी, लेकिन दोबारा इसलिए बता रहा हूँ जिससे जो राजस्थानी जो आप पैटर्न मांगते रहते हैं वो क्लियर हो जाए एक तरीके से, ठीक है। ये पैटर्न है टेट धाता टेट धाता टेट धाता टेट धाता, इस तरीके से आपने बजाना है, ठीक है। अंगूठा अलग रखें और प्यार से बजाएं, कोई वो नहीं, इस तरीके से चांटी की टोन आनी चाहिए। अब मैं पूरा आपको ये बजा के दिखा देता हूँ और उसके बाद बजाने की टेक्निक वही होती है, बस आप समझ नहीं पाते कहने का मतलब ये। इसलिए बिल्कुल चैनल पे जितने वीडियोस हैं वो सारे ऐसे हैं जो गानों में बजाए जाते हैं, हर जगह उनका यूज होता है। अगर आप पूरे वीडियोस देखें, ठेकों का रियाज करें जो मैं बताते रहता हूँ उनका रियाज करें, आप सब गानों में उन्हीं का ही यूज होता है, कोई अलग नहीं है, ठीक है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, अच्छे से रियाज करें, पहले स्लो स्पीड में रियाज करें और फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए अच्छे से रियाज करते रहें। जो नए फ्रेंड्स हो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग है तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल तबला ढोलक सीखें को और दबाएं बेल आइकन भी, जिससे आप पा सकें हमारे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले।